खिताब के लिए दावते सुहन दे रहा हूं। खतीबे लसानी शेरे रब्बानी जान नशीने यजदानी गाजिये इस्लाम खतीबे हर दिल अजीज जनाबे मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी से इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कद अफलहल मुमिनून الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ। واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ला तादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात गिरामी थे। जिस शौक और जिस मुहब्बत दे नाल अल्लाह दी तौफीक नाल तुसी हजरात तशरीफ फरमा हो, जिस जौक और जिस वलवले दे नाल जिस मुहब्बत दे नाल हर साल जमात दे मायानाज खतीब हज़रत मौलाना मुहम्मद आसफ रब्बानी हफिज़हुल्ला और इन्ना दे रुफ़ाक़ा किताब व सुन्नत दी दावत नु आम करने वास्ते उलमाए किराम और अवामुन्नास दी आपस दे अंदर मुलाकात दा जरिया और सबब बनदे ने, मेरे दिल दी अथा गहराइयां चो ये दुआ है अल्लाह इन्हां दी इस कावश कोशिश और मेहनत नु शर्फ़े कबूलियत नाल हम किनार फरमाए। और मेरी दुआ है अल्लाह इस इदारे इस मरकज़ नू ता कयामे कयामत आबाद रखे शाद रखे और जो इस दी आबादी वास्ते दिन रात कोशां रहिंदे ने अल्लाह उन्हां नू सदा शाद और आबाद रखे। यकीनन मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने तलबा वालिदैन असातिजा और खुसूसन मोहतरम कारी मोहम्मद आसफ रब्बानी के अल्लाह दी तौफीक नाल दस रहे सन और तुसा बल्कि देखे है सुने है कि सत बच्चिया ने कुरान पाक मुकम्मल याद कीता है और हाफ़िज़े कुरान बन के अल्हम्दुलिल्लाह फारग हो चुके ने। रब्बुल आलमीन इन्हां दियां काविशां कोशां मेहनतां नूं अपनी रहमत नाल मकबूल व मंजूर फरमाए। मैं बिला तमहीद बतौरे हिस्सा एक दो बातां कह के तुहाडे को इजाज़त चाहांगा जो मेरे जिम्मे उनवान नमाज दे हवाले नाल मोहतरम रब्बानी साहब ने लगाया। नमाज बहुत बड़ी सआदत है अगर किसी नूं नसीब हो जाए और नमाज इस्लाम दे उन पांच अरकान चों एक रुकन है
जिन्हां दे मुतालिक कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद, जरा प्यार ना कहो सल्लल्लाहो, जापदा जलेबियां थले हो गई ने, अगों फिर परातां दी तैयारी होण डई है, फिर भी ढिले ढिले ही हो, सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने पांच जेड़ियां बुनियादी इस्लाम दियां बुनियादां बयान फरमाईयां ने, अरकाने इस्लाम दा तज़किरा फरमाया, उन्हां चो एक नमाज है। रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी ज़बाने नबुव्वत दे निकले अल्फाज आप फरमांदे ने, बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन। है मजमून जरा औखा जे है पर तुहानू सुनना पैना है, चाहो भावें ना चाहो कुछ ना कुछ मैं कहना तो है। बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईता इज़्ज़का वल हज व सौम रमज़ान। ए प्यारे पैगंबर दी ज़बाने नबुव्वत निकले अल्फाज ने, किसे आम आलमे दीन दी बात नहीं, किसे खतीब दी खिताबत दा रंग ढंग ते अंदाज नहीं, किसे अदीब दे इलम और अदब दा अंदाज ते तरीका नहीं, उस ज़बान चो निकले अल्फाज ने जिस ज़बान दे मुतालिक कायनात दा रब आप कह रहे हैं, आप ऐलान करा रहे हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने, वन नजम एज़ा हवा, जाग दे यो ना माशाल्लाह, अजे मेरे बाद वेखो लैणा लगियां ते इन्ने कोई अजे अंदर भी बैठे ने, आ छेती जान छोड़दी नहीं नजर आ रही तुहाडी। माशाल्लाह मुफ्ती ए जमात हज़रत मुफ्ती कफायतुल्ला शाकर साहब वट्टू साहब, और मेरे बाद दो तीन रब्बानी भी ने, हाफज इमरान रब्बानी, सद्दाम रब्बानी, आसफ रब्बानी, और अमीर हमजा साहब ने जेड़ी गल आखी ना, कूनू रब्बानी यून, सारे ही रब्बानी हो जाओ, अल्लाह दे फज़ल सब रब्बानी ने। गौर करे आज जरा, और सब तो वड्डी गल सैयद अब्दुल गनी और नजर नहीं है, माशाल्लाह तुसी जुब्बा वेखो माशाल्लाह सीधे ही जिवें कूफे मक्कियों आए, मक्कियों माशाल्लाह लैके आए ने। अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे, मौलाना हारून यासर बगवी हफीज़हुल्ला, अल्लाह इन तमाम उलमाए किराम दिया उम्र और ज्यादा रहमत बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। गौर करे आज जरा, तवज्जो करे आज, आमिना दे लाल अली उस ज़बान दे अल्फाज ने जिदे बारे कुरान कह रहे है, वन नजम एज़ा हवा, वन नजम एज़ा हवा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वमा यन्तिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयुहा। उस ज़बान दे प्यारे अल्फाज ने जिदे लबां दे उते रब बोलदा ए, जिदे लाहौरियो जिदे लबां दे उते रब बोलदा ए, सोना रहमतां मोती रोलदा ए, ओदा बोलना रब दा कलाम आया, ओदा बोलना रब दा कलाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया। और कौन मुस्तफा ते
तशरीफ ले आए जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, ओदे नाल केड़ा परवाज करे। ताहा यासीन मुजम्मिल दे पा रब कोलों लकब ते शान आया। ओ पाक पैगंबर अली सलाम फरमा रहे ने इस्लाम दी बुनियाद पंजा चीजा ते शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। जबान तो इकरार करना अल्लाह दे अलावा कोई इबादत दे लायक नहीं। आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम आप नबी अल्लाह दे आखरी नबी और प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमा रहे ने वाइकामिस्सलाम। ओए अकीदे दी इब्तदा किथे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ओदे अंदर सब तो पहला जिदा नंबर इकामिस्सलाम। नमाज अदा करनी है मुसलमान मुसलमान अपने आप नू कहन वाला ओदा हक ते फर्ज है अपने आप नू नमाज दा पाबंद बना ले। और इत्थे रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया कद अफलाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह फरमा रहे ने कद अफलाहल मोमिनून मोमिन फला पा गया मोमिन खलासी पा गया मोमिन कामयाब हो गया। ए अर्शां वाले रब्बा मोमिन है कौन ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। जेड़े अपनिया नमाजा अंदर खुशू पैदा कर देने खुशू पैदा कर देने ये नहीं नमाज लाहौर पढ़न दिया ते सोचन दिया पिंडी जाना है ते किवें जाना है धुंद बड़ी पई है। नमाज इत्थे पढ़द जामिया रब्बानिया दे अंदर सोचन दिया दुकान केड़े वेले जाके खोलांगा दुकान केड़े वेले बंद करांगा। नमाज किते पढ़द सोच किते वे नमाज किते पढ़द ज़ेहन किते वे नमाज किते पढ़द दिल किते। दुआ करो अल्लाह सानू नमाजा च खुशू खुशू दी तौफीक अता फरमाए वरना साढ़िया नमाजा का हाल ते ये उन्हें है इमाम साहब खरे भुल गया ने तीन रकातां पढ़िया ने उन्हें नहीं चार ही पढ़िया ने उन्हें है अजीरा को पुछ लो ये माशाला बड़े खुशू खुशू नाल नमाज पढ़ते ने ते इन्हां नू ज्यादा पता होना है रकातां पूरियां होईयां ने कि नहीं। हाजिरी भी आंदे ने जापदा तीन ही होईयां ने अगे चौं दुकानां दा हिसाब कर लैंदा सां अज तिन्नां दा ही होया है जापदा तीन ही होईयां ने साडियां नमाजा इंज दियां। दुआ करो अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। अल्लाह उज़ल जलाल फरमांदे ने अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन ते जिन्ना लोगां ने अपनियां नमाजां दे अंदर खुशू खुजू पैदा कर लिया अल्लाह दी कसम है असी ते नमाज दे अंदर सोचां कई हुंदियां ने प्रोग्राम कई बना लैने जेड़ी गल उंज याद नहीं आउंदी ओ सानू नमाज दे अंदर याद आ जांदी है। जरा गौर करे आजे अल्लाह वाले जिन्ना अपना ताल्लुक रब नाल जोड़िया हुंदा मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक गजवे तो वापस तशरीफ ले आ रहे ने, रात दा सन्नाटा, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम इरादा फरमाया इत्थे आराम कर लेने, अगला दिन चढ़ेगा फिर दोबारा सफर जारी कर लांगे। हुन नबी पाक अलैहि सलाम ने सहाबा नू ठहरा लिया ते मेरे आका फरमांदे ने कौन है जेड़ा अज इस काफले दा पैरा देवेगा, इस जमात दा पैरा देवेगा। दो नबी दे परवानियां दी ड्यूटी लग गई है। हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अनहो, हजरत अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह ताला अनहो, ये दोवें पैरे वास्ते खड़े हो गए ने, ये नबी दे सहाबा दा पैरा देन लगे ने, सहाबा आराम फरमा रहे ने, ये दो साथियों की जिम्मेदारी ड्यूटी है। हजरत अम्मार बिन यासर फरमांदे ने यार दोवें जो जागदे रवांगे ते फायदा ते इन्ना ज्यादा नहीं होना, इंज करने मैं झट आराम कर लैना वा ते तुसी पैरा दिओ, फिर तुसी आराम कर लिया जे मैं पैरा दे लवांगा। मेरे आका अलैहि सलाम दा परवाना हजरत अम्मार बिन यासर आप आराम करन लग पैंदे ने, हजरत अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह ताला अनहो यार खुशु खुजू ऐदा नाम है, बंदा रब दे सामने खड़ा होवे ते पता होवे मैं रब नाल गल्लां कर रहा हूँ, मेरा रब मेरे नाल हम कलाम है, मैं अपने रब नाल हम कलाम। और बंदा जो तो जबान तो एक एक हरफ आंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमांदे ने हामेदानी अबदी, वेखो मेरा बंदा मेरिया हमदा बयान करदा पिया, बंदा आंदा अर्रहमान रहीम। अल्लाह फरमांदे ने असना अलैया अबदी, वेखो मेरा बंदा मेरिया सनावा बयान करदा पिया, बंदा आंदा मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह फरमांदे ने मज दानी आबदी, वेखो मेरा बंदा मेरिया बजुर्गियां बयान करदा है पिया। ओया नबी दे तरबीयत याफ्ता ऐ नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे शागिर्द ने, नबी दा गुलाम खड़ा है, सोचिया भाई मकसद ते पैरा देना ही है ना, ते सौन दी बजाय बैन दी बजाय चलो मैं खड़े होके भी ते पैरा ही देना, ते मैं दो रकात ही पढ़ लू पैरा ही देना है ना, जलेबियां फिर खा लिया जे हूं चट ठहरो, पैरा ही देना है ना, ते चलो मैं खलो के नाले दो रकतां पढ़ लेना वा, नाले पैरा भी हो जाएगा, दुश्मन को सज्यों खब्यों विंदा भी होएगा, उन्हों भी अंदाजा हो जाएगा नबी दा गुलाम खड़ा। हजरत अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह ताला अनहो खड़े हो जांदे ने, आप नमाज अदा करन लग पे, नमाज पढ़न लग पे, हनेरा सी ना थोड़ा बहुत हनेरा सी, को रात दी रोशनी भी सी, दूरों दुश्मन दी नजर पई, ते दुश्मन ने समझिया ये कोई पैरा देन वास्ते बंदा खड़ा है, हिफाजत वास्ते खड़ा, उन्हें निशाना बन के तीर मारिया, ते हजरत अब्बास इन्हां दे पट ते आके तीर लगा, नमाज नहीं छड़ी, तीर कड के सैड ते सुट दिता। साडियां नमाजा नहीं, दुआ करो इंज दी नमाज अल्लाह नसीब फरमा दे। तीर कढ़िया ते नमाज जारी रखी, दुश्मन ने दूसरा तीर मारिया, फिर नमाज जारी रखी, दुश्मन ने तीसरा तीर मारिया, फिर नमाज जारी रखी। हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अनहो अख खुली ते वेख्या करीब हो के ते परेशान हो गया, जिसम खून नाल लत पाते, कपड़े खून नाल भरे ने, ते थोड़ी देर हुण वेंदे ने पै, ए ते अल्लाह दे कुरान दियां
तिलावत करते ने फारग होए। फरमान लगे यार गल सुनो, जदों पहला तीर दुश्मन ने मारिया से तुसा मैनू क्यों ना जगा दिता, क्यों ना तुसा सलाम फेर दिता। फिर दूसरा तीसरा तीर आया, क्यों ना तुसा सलाम फेर दिता। फरमान लगे अम्मार यार की पूछने, मैं सूरह अल कहव पढ़दा सौ पिया ते मैं आख्या हुण पूरी कर ही लैनी चाहीदी है। मैं सोचिया हुण इहनू पूरा कर ही लैना चाहीदा। कद अफलाहल मोमिनू अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशिऊन। हजरत उरवा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दे बड़े बरगुजीदा बंदे ताबी ने, बहुत बड़े ताबी ने, ते इन्हां दी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरां ने, तबीबां ने, हकीमां ने आखिया उन्हें, जनाब तुहाडी लत कटनी पै गई। कहन लगे अगर मजबूरी है, नहीं है दे तो बगैर गुजारा हुंदा ते कट दियो। उन्हें आख्या जी कटन वास्ते जरूरी है कि तुहानू कोई ऐसा दवा पिलाई जाए जिदे नाल तुसी बेहोश हो जाओ ताकि तुहानू लत कटिए ते तकलीफ ना होवे। फरमांदे ने जेड़ी शै बेहोश करे मैं वो पीन वास्ते तैयार नहीं, जेड़ी शै बेहोश करे मैं वो पीन वास्ते तैयार नहीं। उन्हें आख्या जी मजबूरी है, इहदे तो बगैर लत कटांगे तुहाडे वास्ते परेशानी होएगी। फरमांदे ने अच्छा मैं तुहानू एक तरीका दसना जी, दसो। फरमान लगे मैं नमाज नीत लैना। ऐ जे नमाज जिन्नू नमाज आंदे ने, मैं नमाज बल्कि मैनू याद आया हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके ते बयान फरमाया सी कि मौलाना मुहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उस वली दी कबर ते रहमत दियां बारशां नाजल फरमाए। मौलाना दी तबीयत खराब सी, शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने कोल बुलाया, जी तुहाडा कोई ऑपरेशन करवाने आ। मौलाना मीर रहमतुल्लाह अलैह नूं क्लोरोफार्म सुंघाण लगे, हुण ते बड़े जदीद दौर आ गया, तरीका आ गया। सुंघाण लगे मौलाना, फरमान लगे की करन लगे हो? कहन लगे जी तुहानू बेहोश करके ऑपरेशन करना है। फरमान लगे बेहोश होण दा मतलब है भी एक नींद की किस्म है, ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया सौण तो पहला सूरह मुल्क पढ़ लिया करो। ते मैं जरा सूरह मुल्क पढ़ लां, फिर कर लिया जे तुसी। ओ हकीम डॉक्टर खुद आंदा, डॉक्टर आंदा, असी सोचा भी दो चार कोई जंतर मंत्र होंगे तो पढ़ लै। अखीर असा वेख्या भी वह ज्यों शुरू होए, बाबे होरी ज्यों शुरू होए, मुकान का ना ही नहीं लेंदे। असें सोचा भाई चलो हुण अपना काम तो करना चाहिए। असा क्लोरोफार्म सुंघा दीती, आंदे ने जब तक सूरह मुल्क खत्म नहीं होई बेहोश हो के भी बाबे उरी पढ़ दे ही रहने। एने लाहौरियो तुहाडे असलाफ जिन्ना तुहाडी जमात दी खातर, मुस्तफा दी असमत दी खातर, मुस्तफा दे सहाबा दे दिफा दी खातर, किताबो सुन्नत दा ऐलान कायनात करन दी खातर हर दुख बर्दाश्त कीता, लेकिन झुकना गवारा नहीं कीता। अज भी आले हदीस दा बच्चा बच्चा इंशाअल्लाहुर रहमान ओ जमाते मर जाना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किताबो सुन्नत आ जाना गवारा नहीं करना। हज़रत उरवा बिन जुबैर फरमान लगे रहमतुल्लाह अलैह, उहदा तरीका है वे मैं नमाज पढ़ना ते तुसी अपना काम करी जाए जे मैं अपना करी जावां। आंदे ने नमाज नीति, डॉक्टरां ने लत कट दीती ते पता भी नहीं लगा।
लत कट दीती ते पता भी नहीं लगा। मैं ना ए अजीम लोग ने जिन्ना दे बारे कुरान आंदा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अपनिया नमाजा दे अंदर खुशू खुजू पैदा करने वाले। और मैं कुर्बान जावा हजरत अली बिन हुसैन, नाम इन्हों का सी वैसे मशहूर नाम जैनुल आबेदीन, बड़ा मारूफ नाम है जैनुल आबेदीन रहमतुल्लाह अलैह। कैफियत वे हज की तैयारी कर लगे ते इहराम बन लिया, जबान तो लब्बैक दा तराना पढ़न लगे ने ते जिसम ते लरजा तारी हो गया, थर थर कंबन लग पैने लरजा पर अंदाम ने। किसे पुछया हजरत इन्ने परेशान, हज ते बड़ा अल्लाह दी तौफीक ते उदी मेहरबानी दा एक सिला, हजरत हज दा हैरान ते लब्बैक कहन तो तुसी घबरांदे हो पै। फरमान लगे मैनू डर लगदा है मैं किते लब्बैक आखां ते अगों जवाब मिले ला लब्बई का तेरी हाजरी कबूल नहीं, मैनू इस चीज तो डर लगता पिया। मेरे भाई पहली गल एवे नमाज अदा करनी है और नमाज भी ऐसी जिदे अंदर इंज दा खुशू खुजू पैदा होए, वरना अल्लाह जुल जलाल दे दरबार दे अंदर पेश तो होना। और पता जे कुरान ने बयान फरमाया कई ऐसे बदनसीब होंगे, ऐसे किस्मत दे मारे होंगे जिन्हां दे बारे कुरान ने दसिया जहन्नम च सड़दे ने पै, ते जन्नती इन्हां कोलो सवाल करदे ने मा साला का कुम फी सकर, ओ की गल है साडे ही कुछ लगदे लाने हो, साडे ही रिश्तेदार हो, कट्ठे ही रहिंदे बहिंदे खलोंदे सां ते की होया जहन्नम च सड़न डए हो। आंदे ने साडी बदनसीबी लम ना को मिनल मुसल्ली, असी ओ बद बख्त बद नसीब जड़े नमाजा नहीं सं पढ़िया कर दे लम ना को मैं नाल मुसल्ली। नमाज अल्लाह दे दरबार दे अंदर जवाब एदे बारे देना पैना। जीम जीम जदों विच कबर जाएगा, जीम आखे जदों विच कबर जाएगा, पुछणगे नमाज फिर पछोताएगा। जीम आखे जदों विच कबर जाएगा, पुछणगे नमाज फिर पछोताएगा, उत्थे रोवें कुरलावे नाले मल्ले तालियां, भुल गईयां रातां तैनू गोरां वालियां। कबर विच जाना ही अल्लाह दे दरबार अंदर पेश होना ते नमाज कयामत दे दिन सब तो पहला सवाल वो है नमाज दा। ऐस पेपर चों अगर पास हो गया ते इंशाल्लाह बाकी भी अल्लाह मेहरबानी ते अपनी रहमत फरमा देंगे। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारिया नू पक्के सच्चे नमाजी बनाए, किताब सुन्नत दे मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक बख्शे। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। हाजी मुहम्मद शफीक रहमानी साहब उन्हां दी आहलिया मोहतरमा बीमार ने, उन्हां वास्ते भाई सारे अहबाब दर्द दिल नाल दुआ फरमाना। अल्लाह उन्हां नूं सेहत कामिला आजला नसीब फरमा।